आपको बता दें कि बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां तेजस्वी यादव ने पोस्ट जारी किया और जिसमें उन्होंने अपराध को लेकर के बिहार सरकार पर जो है निशाना साधा है और सवाल भी उठाए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभेंदु रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। शुभेंदु, देखिए लगातार जो है तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर हमलावर है और उन्होंने ये सवाल भी उठाए हैं कि बिहार को जो है उन्होंने अपराधियों को सौंप दिया है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? अवंतिका, मैं बताऊंगा कि लगातार जो है तेजस्वी यादव एक्स के माध्यम से जो है सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, सरकार के कार्यशैली पर जो है सवाल उठाते रहे हैं, संदेह करते रहे हैं और इसी क्रम में लगातार जो है वो बुलेटिन जारी करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने कल जो है बुलेटिन और आज भी जारी किया। उन्होंने सरकार से साफ तौर पर पूछा है कि जिस तरह से सुपौल में जो घटना घटी, जिस तरह से 3 कैदियों को जो है कोर्ट से जब ले जाया जा रहा था तो उनकी हत्या हो जाती है, जिस तरह से मोतिहारी में एक दुकानदार को दुकान में घुसकर लगभग 20 से 25 बार वार किया जाता है अपराधियों के द्वारा, जिस तरह से मोबाइल दुकान में घुसकर जो दुकानदार है उससे 3 से 3.5 लाख रुपए छीन लिए जाते हैं, तो ये कौन सा माहौल है? उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस जंगल राज की बात ये कहते हैं, जिस जंगल राज को बताते हैं, तो ये कौन सा मंगल राज है? उन्होंने साफ तौर पर है नीतीश कुमार की कार्यशैली पर और बिहार पुलिस की कार्यशैली पर जो है सवाल उठाए हैं, प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं और उन्होंने साफ तौर पर पूछा है कि आखिर बिहार में ये क्या हो रहा है? जिस तरह से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग व्यापारी जो है खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जो आम लोग हैं सड़कों पर चलना सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, लगातार चैन स्नैचिंग से लेके मोबाइल स्नैचिंग तक की घटना होती है, तो ये कौन सा जंगल राज नहीं है, ये कौन सा सुशासन है? लगातार उन्होंने सवाल किए कि अपराधियों और अधिकारियों की जो है मिलीभगत से बिहार में जो है अपराध को संचालित किया जा रहा है। वहीं अगर बात कर ली जाए सरकार की, तो सरकार साफ तौर पर कहती है कि जो ये सारे जितने भी अपराध हो रहे हैं कि राजद संरक्षित जितने भी अपराधी हैं वो अपराध कर रहे हैं। अब दोनों के बीच में जो नोकझोंक हो रही है, चाहे सरकार या विपक्ष के बीच में, लेकिन बड़ी बात यह है अवंतिका कि बिहार में अपराध का ग्राफ वाकई बढ़ा है, बिहार में अपराधी बेखौफ है, बिहार में लगातार अपराधी घटनाएं हो रही है, चाहे वो नवादा की घटना आप देख सकती हैं कि एक साथ लगभग 70 से 80 घरों में जो है दबंगों द्वारा, अपराधियों द्वारा जो है घर में आग लगा दिया जाता है मदलितों की और खुलेआम फायरिंग 70 से 80 राउंड फायरिंग की जाती है, तो आप सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अपराधी है वो बेखौफ है। हालांकि सरकार पुलिस ये लगातार कहती रही है कि अगर कोई अपराध होता है तो तुरंत उसको 24 से 48 घंटे में पकड़ लिया जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है अवंतिका कि आखिर वो अपराध होता क्यों है, आखिर अपराधी के मन से पुलिस का खौफ खत्म क्यों होता जा रहा है, आखिर ये क्यों लग रहा है उन्हें कि हम अपराध करेंगे अगर पकड़े भी जाते हैं तो बड़ी से बड़ी सजा हमें नहीं मिलेगी। 5 से 10 साल हमने देखा है अवंतिका की बिहार में बहुत सारे, जब सरकार कोई केस लड़ती है तो वो हार जाती है, क्योंकि जो सबूत जुटाने की बात होती है वो सरकार नहीं कर पाती, बहुत बड़े बड़े अपराधी हैं जो कि सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं, तो उनके मन से जुडिशियली जो है, जो जिस तरह से जुडिशियल व्यवस्था है उससे भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं उसको भी सख्त रखना पड़ेगा, पुलिसिंग जो पुलिस की है, जो आईओ होते हैं जिस केस से संबंधित होते हैं उनको भी सख्त रहना पड़ेगा। लगातार जो है लगातार जो है नीतीश कुमार लालू यादव पे सवाल उठाते हुए हैं आरजेडी पे कि लालू परिवार जो है हमेशा उनपे जंगल राज को लेकर के जो है सवाल उठाए जा रहे थे और आज जो है ये सवाल खुद उनके जो बेटे हैं तेजस्वी यादव वो नीतीश कुमार पर उठा रहे हैं और साथ ही वो बोल भी रहे हैं कि बिहार सरकार को, बिहार को जो है, बिहार राज्य को बिल्कुल उन्होंने अपराधियों को ही सौंप दिया है और आज ये सवाल जो है नीतीश कुमार पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने और लालू यादव ने लगातार जो है सरकार पर हमला बोला है, वो साफ तौर पर तेजस्वी जो है कहीं भी चूकते नहीं है सरकार पर हमला करने में। जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार जो है अब अपराधियों के भरोसे चल रहा है, बिहार नीतीश कुमार नहीं चला रहे, नीतीश कुमार जो है अपराध से, उन अपराध पर उनका ध्यान नहीं है, उनके अधिकारी और जो अपराधी हैं दोनों की मिली भगत से जो है सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ा ये प्रश्न है, ये सरकार के ऊपर भी प्रश्न है, ये पुलिस पुलिसिंग के ऊपर भी प्रश्न है अवंतिका, क्योंकि बिहार में जो माहौल बना था, जो 1990 से लेकर 2005 तक का माहौल था, वाकई वो माहौल ऐसा था कि
कोई भी व्यक्ति जो है खुलेआम घूम नहीं सकता था, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। नीतीश कुमार 2005 में आते हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है भय मुक्त अपराध मुक्त बिहार बनाने की जो सोच रखी थी उस पर लगातार काम भी किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जब से एनडीए से अलग होकर वो महागठबंधन में गए और महागठबंधन से फिर एनडीए में आए, उसके बाद का जो माहौल बना वो भय मुक्त बिहार का नहीं बना, अपराध मुक्त बिहार का नहीं बना, क्योंकि लगातार उसके बाद जो है बिहार में क्राइम होते रहे, अपराधियों का जो मनोबल है वो चरम पर रहा, अपराधी बेखौफ होकर अपराध करते रहे। पुलिस हालांकि पकड़ने में कामयाब रही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर जो अपराधी हैं उनके मन से जो है पुलिस का डर क्यों समाप्त हो गया है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि अपराध को नियंत्रण करने में बिहार सरकार नाकाम रही है। अपराध हो रहे हैं, हालांकि पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन अपराध नियंत्रण में क्यों नहीं है, अपराध होता क्यों है? छोटे मोटे अगर अपराध की बात कर ली जाए, सरकार हालांकि पल्ला झाड़ते हुए नजर आती है कि पहले सुनियोजित अपराध होते थे, लेकिन अब जमीनी विवाद में अपराध होते हैं, आपसी कलह में विवाद होते हैं, उसमें गोलियां चलती है। उसमें हमने वो 1990 से 2005 का नरसंहार का भी दौर देखा है, हमने नवादा की घटना भी देखी है 2005 के बाद 2024 में। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से माहौल बिहार में बन रहा है, जिस तरह से बालाजी के तर्ज पर ही पटना के महावीर मंदिर में जो है नैवेद्यम प्रसाद बनते हैं, और कहां से उसका घी आता है, कैसे टेस्टिंग होती है, ये कुछ जो जानकारी है इसे क्या कुछ लेकर कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जिस तरह से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति बालाजी के प्रसाद के ऊपर जो सवाल खड़े किए हैं, लगातार उन्होंने कहा है कि वहां के प्रसाद में शुद्धता नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो वहां पर चर्बी मिलाई जाती है, मछली का तेल मिलाया जाता है, और जिससे कि वो प्रसाद है अशुद्ध हो जाता है, उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। इसी को लेकर कल जो महावीर मंदिर न्यास समिति के जो सचिव है आचार्य कुणाल किशोर, उन्होंने पटना में एक प्रेस वार्ता आयोजित की, और उन्होंने जो सवाल उठ रहे हैं तिरुपति बालाजी से लेकर, क्योंकि महावीर मंदिर में जो नैवेद्यम बनता है अवंतिका, वो भी तिरुपति बालाजी की तर्ज पर ही बनता है, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ की शुद्धता की जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी जो घी की खरीदारी होती है वो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के द्वारा जो नंदिनी घी बनाया जाता है, हालांकि तिरुपति बालाजी में भी यही घी का उपयोग होता रहा था, लेकिन बीच में जब घी के दामों में वृद्धि हुई तो उन्होंने जो खुदरा व्यापारी है उनसे घी खरीदना शुरू किया, और उसके बाद से जो गुणवत्ता माना जा रहा है कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जो है गुणवत्ता में कमी आई। वही आचार्य किशोर कुणाल ने बताया है कि महावीर मंदिर में 125 जो कारीगर हैं, तिरुपति के ही कारीगर हैं, और बजाते पूजा पाठ करके वो शुद्ध रूप से जो है यहाँ प्रसाद का निर्माण किया जाता है। 1992 से यहाँ पर जो है प्रसाद का निर्माण होता आ रहा है, और नंदिनी शुद्ध नंदिनी घी में इसका निर्माण होता रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हर एक 3 महीने पर इसे नैवेद्यम को लैब टेस्ट के लिए दिल्ली भेजा जाता है, ताकि इसमें इसकी गुणवत्ता को परखी जाए, इसकी गुणवत्ता को जांचा परखा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अवंतिका की, जिस तरह से इतने बड़े मंदिर तिरुपति बालाजी के प्रसाद पर जिस तरह से सवाल खड़े हुए, और सवाल किसी और ने नहीं बल्कि वहां के मुख्यमंत्री ने खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ के प्रसाद शुद्ध नहीं है, यहाँ के प्रसाद में गुणवत्ता नहीं है, यहाँ के प्रसाद में जो है चर्बी मिलाई जाती है, यहाँ के प्रसाद में मछली का जो है वो वाल मिलाया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं एक बड़ा जो है बयान दिया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने, और उसी तर्ज पर जो बिहार में है नैवेद्यम बनता है महावीर मंदिर पटना में। की बात करें तो वहां के लिए जो टेस्टिंग होती है वो कहां से की जाती है, इसकी टेस्टिंग? वो भी टेस्टिंग दिल्ली में ही होती है, और शायद इसी वजह से लगातार जो सवाल खड़े किए जा रहे थे इसी वजह से शायद उसको टेस्ट के लिए भेजा गया था और उसमें गड़बड़ी पाई गई। हालांकि 10 दिनों से जो है अवंतिका, अब जो लड्डू है उसमें बजाते नंदिनी घी का ही प्रयोग किया जा रहा है, जो कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की तरफ से जो है बनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या आस्था के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से सनातन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कहां तक उचित है?
लाखों लोगों की आस्था इससे जुड़ी होती है। नैवेद्य प्रसाद को लोग बड़े ही चाव से ईश्वर को पहले भोग लगाते हैं और उसके बाद चाव से वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन जिस तरह से जो मिलावट की बात आई है, जिस तरह से जो चर्बी की बात आई है, जिस तरह से जो मछली के तेल की बात आई है, कहीं से उचित नहीं है और सरकार को इस पर कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि बाद में ऐसी कोई गलती ना करे, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो अगर बात कर ली जाए आंध्र प्रदेश की या बिहार में, कहीं भी अगर इस तरह की धर्म के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे किसी भी धर्म, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू धर्म के साथ ही, किसी भी धर्म के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो वैसे अपराधी को तुरंत पकड़कर उसे कठोर से कठोर सजा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रमन इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, बिहार से बड़ी खबरें थी और हम आपको बता दें कि लगातार जो है बिहार सरकार पर जो है तेजस्वी यादव सवाल उठाते हुए आ रहे हैं और लगातार जो है अपराध को लेकर कहीं ना कहीं बिहार सरकार को हमेशा ही घेरते आ रहे हैं। और कल भी उन्होंने पोस्ट जारी किया था एक्स अपने ट्विटर एक्स पर और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि बिहार राज्य को जो है तेजस्वी यादव ने जो है वो अपराधियों को सौंप दिया है, अपराधी जो है बेखौफ घूम रहे हैं। और जिस जंगल राज की वो बात करते हैं तो क्या आज जो बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं तो आज वो जंगल राज स्थापित नहीं हो रहा। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये तेजस्वी यादव ने जो है सरकार को घेरते हुए कहा है। और इसके साथ ही बता दें कि पटना के महावीर मंदिर में भी कितना शुद्धता नैवेद्य प्रसाद मिलता है, इसको लेकर के भी जो है वहाँ के सचिव न्यास जो है उन्होंने भी बयान जारी किया। उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दिया है कि यहाँ पर साफ और शुद्ध घी से जो है वो यहाँ पर प्रसाद बनाया जाता है, नैवेद्यम जो है भक्तों के लिए तैयार किया जाता है। और पटना के महावीर मंदिर में जो किसी भी तरह की कोई मिलावट नैवेद्यम में नहीं पाई जाती है, हालांकि इसकी टेस्टिंग भी की जाती है और उसमें वो शुद्धता जो है वो देखने को मिलती है साफ तौर पर।